गुड मॉर्निंग एवरीवन। आफ्टर कवरिंग फर्स्ट फाइव चैप्टर्स ऑफ पार्ट वन ऑफ केमिस्ट्री, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सिक्स्थ चैप्टर, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशंस। विद इन अस एंड अराउंड अस सो मेनी चेंजेस टेक्स प्लेस। दोज चेंजेस कैन बी फिजिकल, कैन बी केमिकल चेंजेस, and during those changes energy changes are also accompanied with it. The reason being that during those changes the breakage of old bonds, formation of new bonds and rearrangement of atoms occurs, and due to all those changes there occurs the changes in the energies also. Sometimes in some chemical reactions we are concerned with the energy change only. For example, in the burning of fuel, which is an example of chemical change, in that chemical change the energy is released and we utilize that energy only. Means in that chemical change, in that reaction, the energy change is important as compared to the products which are formed during the reaction. Now, have a chemical change taken place? अगर कोई केमिकल चेंज हुआ तो क्यों हुआ, टू व्हाट एक्सटेंट अ केमिकल चेंज हैज टेकन प्लेस, एंड हाउ कैन वी मेजर द एनर्जी चेंजेस विच आर अकॉम्पनीड विद द चेंजेस। नाउ दीज आर ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच वी नीड टू नो, बट बिफोर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द बेसिक टर्म्स विच वी आर गोइंग टू यूज इन दिस चैप्टर। नाउ दोज बेसिक टर्म्स आर some basic terms which we are going to discuss are, first is system and surrounding. System and surrounding. Now what a system is? System is that part of the universe which is under observation. हम जितनी चीज को observe कर रहे हैं that portion is termed as system. Suppose this is the portion which is under our observation. हम इतने portion में कोई change हो रहा है, कोई chemical reaction हो रहा है और हम उसे observe कर रहे हैं, तब हम उसे क्या कहेंगे, that this is the system. And what is the surrounding? What all around this system is known as surrounding. इस सारे के बाहर जो भी चीज है वो क्या है, सराउंडिंग। और ये दोनों मिलकर सिस्टम एंड सराउंडिंग दे कंबाइन एंड वी टर्म इट एज यूनिवर्स। तो हमारे अराउंड जो पोर्शन अंडर ऑब्जर्वेशन है दैट इज सिस्टम, एंड द पोर्शन विच इज सराउंडिंग दैट सराउंडेड दैट सिस्टम इट इज नोन एज सराउंडिंग्स। नाउ दिस सिस्टम इज फर्दर ऑफ थ्री टाइप्स, ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। नाउ व्हाट एन ओपन सिस्टम इज, द सिस्टम इन विच मैटर एंड एनर्जी बोथ आर गेटिंग एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। जैसे हम सिंपल एग्जांपल अपनी डेली लाइफ में से देखें कि इफ वी हैव kept a hot cup of tea, हमने गरम चाय की का कप रखा जिसमें गरम चाय है, तो उसमें से सिस्टम और सराउंडिंग में हीट का एक्सचेंज होगा। जब तक दोनों तरफ हीट एंड मैटर दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे, क्योंकि वाटर, हमें पता है कि चाय गरम है तो उसमें से वाटर इवेपोरेट होगा, मींस द मैटर इज गोइंग इन द सराउंडिंग। इन द सेम वे द सिस्टम इज एट हायर टेम्परेचर एंड वी नो दैट heat travels from higher temperature portion to a lower temperature region. तो गर्म चाय वाली जगह से ठंडे सिस्टम वाली सराउंडिंग वाली जगह पर हीट भी ट्रांसफर होगी। सो मैटर एंड एनर्जी बोथ आर गेटिंग एक्सचेंज इन द ओपन सिस्टम। इन द क्लोज सिस्टम देयर इज चेंज ऑफ एनर्जी ओनली, ओनली एनर्जी इज एक्सचेंज्ड, ओनली एनर्जी इज एक्सचेंज नॉट मैटर। जैसे
अगर हमने उसी गर्म चाय वाले कप को किसी चीज के साथ कवर कर दिया तो उसमें से वाटर वेपर्स सराउंडिंग में नहीं जाएंगे, लेकिन हीट फिर भी डिसिपेट होती रहेगी। कब तक होगी? जब तक सिस्टम और सराउंडिंग दोनों सेम टेम्परेचर पर नहीं आ जाते। तो दैट इज द क्लोज सिस्टम दैट ओनली एनर्जी इज गेटिंग एक्सचेंज नॉट द मैटर। कमिंग टू द थर्ड दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम, नीदर एनर्जी नॉर मैटर दोनों में से कुछ भी एक्सचेंज नहीं होगा। एंड दैट इज द एग्जाम्पल फॉर इट इज दैट द सेम हॉट टी इज केप्ट इन अ थर्मस। अगर हम उसे थर्मस में डाल दें तो ना मैटर वाटर वेपर्स भी सराउंडिंग्स में नहीं जाएंगे और एनर्जी का भी एक्सचेंज सिस्टम और सराउंडिंग में नहीं होगा। सो इन दिस वे सिस्टम इज ऑफ थ्री टाइप्स, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम में दोनों चीजों का एक्सचेंज हो रहा है, क्लोज में सिर्फ एनर्जी का, और आइसोलेटेड में नीदर एनर्जी नॉर मैटर दे आर गेटिंग एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। Now our next property is macroscopic properties. The properties of the system which arise from the bulk behavior of matter. For example, pressure, temperature, volume, density, viscosity, etc. And these are easily measurable properties. मतलब जो properties जब matter ज़्यादा quantity में हो और हम easily उन properties को measure कर सके, तो वो प्रॉपर्टीज क्या है? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, विच आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। नाउ व्हाट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर? दीज आर दोज प्रॉपर्टीज हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सिस्टम। सिस्टम में कितने अमाउंट में चीज प्रेजेंट है उसके ऊपर जो प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं, दे आर नोन एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई 5 केजी किसी कंटेनर में कोई चीज है या 10 केजी है, तो उसका मास उसकी अमाउंट पे डिपेंड करेगा कि वो 5 किलो है, 6 किलो है, 2 किलो है। इन द सेम वे अगर चीज ज्यादा होगी तो वो वॉल्यूम ज्यादा ऑक्यूपाई करेगी, अगर कम होगी तो वो कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। तो जो प्रॉपर्टीज सब्सटेंस की अमाउंट पे डिपेंड करती है कि सिस्टम में कितनी चीज प्रेजेंट है, दोज प्रॉपर्टीज आर नोन एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। And vice versa of it, intensive properties, the properties which are independent of the amount of substance present in the system, कि system में जो चीज है वो कितनी present है, जो properties इस चीज पर नहीं depend करती, उनको हम क्या कहते हैं? Intensive properties. For example, temperature, जैसे हम कहें कि water का boiling point 100 degree Celsius है, तो वो कितना भी पानी होगा अगर उसने boil होना तो वो 100 degree पर ही होगा, चाहे वो हाफ कंटेनर हो चाहे वो फुल कंटेनर हो। इन द सेम वे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस, वो चाहे थोड़ा पानी हो चाहे ज्यादा पानी हो, वो फ्रीज कितने पे होगा? 0 डिग्री सेल्सियस पे। सो टेम्परेचर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की कितनी चीज प्रेजेंट है, उसके उस पर डिपेंड नहीं करता। दोज प्रॉपर्टीज आर नोन एज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। टेम्परेचर, प्रेशर, वेपर प्रेशर, विस्कोसिटी एटसेट्रा, दे आर द इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। Now starting with the next term, state of a system. What state of a system is? The condition of existence of the system when macroscopic properties have definite values. जैसे अगर किसी सिस्टम की टेम्परेचर कंडीशन क्या है, प्रेशर क्या है, उस टेम्परेचर प्रेशर conditions पर उसने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, अगर वो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी तो स्टेट ऑफ द सिस्टम भी चेंज हो जाएगा। जैसे अगर टेम्परेचर ज्यादा है, प्रेशर कम है, means temperature is more and pressure is less, तो क्या होगा? ज़्यादा कम है तो the system is in gaseous state, अगर हम temperature कम करके pressure बढ़ा देंगे तो वो liquid state हो जाएगी, अगर हम और ज़्यादा temperature कम करके pressure और ज़्यादा बढ़ा देंगे तो वो solid state हो जाएगी। तो means the condition of existence of a system जब macroscopic property की कुछ particular value है और अगर वो property की value change हो गई तो सिस्टम की स्टेट भी चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट इज स्टेट वेरिएबल। स्टेट वेरिएबल क्या है? द मेजरेबल प्रॉपर्टीज विच आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द सिस्टम। वो प्रॉपर्टीज जो हमें किसी सिस्टम की स्टेट को बताने के लिए
हम यूज करते हैं, वो प्रॉपर्टीज जिनसे हम ये बता सकते हैं कि सिस्टम कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम। अब अगर टेम्परेचर ज्यादा है, प्रेशर कम है, तो हम बता सकते हैं कि सिस्टम इज इन गैसियस स्टेट। हमने टेम्परेचर को लोअर डाउन कर दिया, प्रेशर को बढ़ा दिया, तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, मीन्स नाउ इट इज इन लिक्विड स्टेट। और ज्यादा टेम्परेचर लोअर डाउन कर दिया, प्रेशर इंक्रीज कर दिया, तो वो सॉलिड स्टेट में आ गया। तो वो प्रॉपर्टीज जो हमें किसी सिस्टम की स्टेट को एक्सप्लेन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए हमें हेल्प करें, दोज प्रॉपर्टीज आर नोन एज स्टेट वेरिएबल्स। और ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें एक चीज ही, एक चीज, सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। हमें एक चीज पता होगी तो उससे ऑटोमेटिकली बाकी सारी फिक्स हो जाएंगी। बाय स्पेसिफाइंग द वैल्यू ऑफ सम ऑफ देम, द रेस्ट गेट ऑटोमेटिकली फिक्स। जैसे अगर हम कहें कि हमारे पास टेम्परेचर ज्यादा है, तो ऑब्वियसली प्रेशर कम होगा अगर वो गैसियस स्टेट है। तो टेम्परेचर ज्यादा है तो प्रेशर कम है, तो वो ऑटोमेटिकली फिक्स हो गया। और अगर प्रेशर कम है, टेम्परेचर ज्यादा है, तो वॉल्यूम ज्यादा ऑक्यूपाई होगा, दैट इज अगेन ऑटोमेटिकली फिक्स्ड, हमें फिक्स करने की जरूरत नहीं होगी। नाउ अगर हमने टेम्परेचर को कम कर दिया और प्रेशर बढ़ा दिया, हमने इन दोनों को वेरी कर दिया, तो वॉल्यूम अपने आप फिक्स हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। इसी तरह हमने प्रेशर और ज्यादा बढ़ा दिया और टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया, तो वॉल्यूम और ज्यादा कम हो जाएगा। मींस कुछ चीजों को स्पेसिफाई कर दें तो बाकी की प्रॉपर्टीज अपने आप फिक्स हो जाएंगी, हमें उन्हें फिक्स नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज स्टेट फंक्शंस। स्टेट फंक्शंस क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम हुज वैल्यू डिपेंड ओनली ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड नॉट ऑन द वे बाय विच द सिस्टम इज रीच्ड। मतलब वो प्रॉपर्टीज जो इस चीज पर डिपेंड करती हैं कि पहले सिस्टम कौन सी स्टेट में था और अब सिस्टम कौन सी स्टेट में है, लेकिन वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कैसे पहुंचा, वो इस चीज पर डिपेंड नहीं करता। जैसे हमने कहा कि हम ग्राउंड फ्लोर से किसी अपर फ्लोर पर जा रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर पर जा रहे हैं या सेकंड फ्लोर पे जा रहे हैं। अब हम फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए स्टेयर्स का यूज कर रहे हैं, एस्केलेटर का यूज कर रहे हैं या लिफ्ट का यूज कर रहे हैं, दैट डजंट मैटर। सिर्फ हम स्टेट पर डिपेंडेंट हैं कि पहले हम इनिशियली ग्राउंड स्टेट पे थे, फिर हम फर्स्ट फ्लोर पे आ गए। अब वो फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर हमारा जो स्टेट चेंज हुआ, पोजीशन चेंज हुआ, दैट इज नॉट, वी विल नॉट कंसीडर द वे बाय विच वी हैव कवर्ड दैट डिस्टेंस। हम नीचे से ऊपर तक कैसे गए, हम स्टेयर्स चढ़ के गए, हम एस्केलेटर से गए या हम लिफ्ट से गए, ये मैटर नहीं करता। सिर्फ यही चीज मैटर करती है कि हम पहले ग्राउंड स्टेट पे, लेवल पे थे, अब हम फर्स्ट फ्लोर पे आ गए। सो दिस इज द स्टेट फंक्शन। जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, कि हमने प्रेशर अगर चेंज किया, पहले कम था फिर बढ़ा दिया, तो वो हमने पिस्टन के थ्रू बढ़ाया या उसको हमने कैसे कंप्रेस करके बढ़ाया, किस चीज से कंप्रेस किया, उस चीज पर मैटर नहीं करता। अगर पहले प्रेशर कम था और अब प्रेशर ज्यादा हो गया, तो हम सिर्फ इसी चीज से कंसर्न है कि पहले कम था और अब ज्यादा हो गया, वो कैसे हुआ, दैट डजंट मैटर, दैट इज द स्टेट फंक्शन। सो सम, दीज आर सम ऑफ द बेसिक टर्म्स विच वी हैव डिस्कस्ड, विच विल बी यूज्ड इन द चैप्टर इन द टाइम्स टू कम। थैंक यू।